डॉक्टर अमित मात्रे अपना आंसर ही भूल गए <laughs> <laughs> तो आंसर अभी मैं बता रहा हूँ चीट कर लो तो <laughs> मेरा so, एक ही प्रॉब्लम रहता है कि आदर्श पास जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो सॉरी ओके okay. वो फेलियर करके आता है इधर ब्लीडिंग होता है साइड साइड ब्लीडिंग होता है या कैनुलेन साइड थ्रम्बोसिस होता है सो फॉर मी मेरी तरफ से द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ यू कैनुलेट द फिशुला एंड डिटेक्ट कि येस ये फिशुला को कैन्युलेट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा देफोर यू हैव टू बी कैनुलेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड नेक्स्ट इज यू है सभी फिश जो डॉक्टर मात्र बनाते हैं उस सब फेल होता है <laughs> नहीं वो रहे हैं खुद ही सवाल कर रहे हैं वो कहते हैं कि जितना फिस्टूला में बनाता या तो फेल होता है या चलते रहता है जिंदगी भर आप लोग को क्या लगता है फेल होता है कितने लोग बोलते हैं कि फेल हो जाता है सब फिस्टूला सर का नहीं होता है ऐसा नहीं है हर फिस्टूला फेल होता है बिकॉज हर फिस्टूला का लाइफ रहता है बिकॉज अब जब फिस्टूला इधर डायलिट होते जाएगा इवेंचुअली जिधर आपका एनोस्टोमोसिस हुआ है वो एरिया स्टिनोस होता है या जिधर आपका फिशुल्ला का वेन गर्दन में से मेन वेन में जाता है वो एरिया में स्टिनोसिस होता है तो so, हर फिशुल को प्रॉब्लम आता है डिपेंड्स दस ओनली टू टू थ्री परसेंट दो तो तीन टक का ही पेशेंट का फिशोरा दस और बारह साल चलता है आई मेरा पेशेंट में से दो या तीन ही पेशेंट मेरे को याद है जिनका फिशोर दस बारह साल से चल और फिशोराज गोइंग टू फील सो so, अगर फिस्टूला फेल करता है तो उनका सवाल है कि कैसे अगर फेल से तो बचाएं और साथ में फ्यूचर के लिए भी सोच के रखें कि अगर फिस्टूला पेशेंट का फेल करेगा तो आगे हम कैसे ऑप्शन बचा कर रखें सो वी हैव टू ऑल पेशेंट विल नीड मल्टीपल एक्सेस बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि लाइफ ऑन डायलिसिस कितने साल आप लोग देखें अपने अपने प्रैक्टिस में पंद्रह साल बीस साल पच्चीस साल तीस साल हाँ पच्चीस साल सो so, जैसे जैसे लाइफ डायलिसिस पे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे फिशफूल्हा रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ेगा इसके लिए इस सवाल का जवाब क्या आपको लगता है सभी पेशेंट को दो तीन फिशूल्ला तो लगेगा तो अपने पास ऑप्शन कितने हैं वी आई मैं स्लाइड दिखाया नहीं वो लास्ट लेक्चर्स में बताया था एक हाथ में ग्यारह ऑप्शन रहते हैं फिशोला बनाने के hey, नहीं. नहीं। है स्लाइड नहीं ग्यारह ऑप्शन रहते हैं स्लाइड फिशोला बनाने में फोराम में दो बंद हो गया तो मिड फोराम में एक बनता है डिजिटल फोराम में बनता है एल्बो पे दो बनता है किफेलिक बेसेलिक अगर वो बंद हो गया तो आपके पास पीटीएफी uh, ग्राफ सिंथेटिक ग्राफ यूज करके फिशुल्ला बना सकते हो जो फोराम में लगता है आर्म में लगता है ये ऑप्शन खत्म होने के बाद यू हैव गो टू पम्प कैथ्स नहीं डालना है तो गर्दन में जो आपकी मेन वेन रहता है उसके साथ भी फिशुला बनता है सो इफ यू कैलकुलेट आपके पास ग्यारह ऑप्शन रहते हैं तो हर फिशुला को हर पेशेंट का कितना ऑप्शन ओपन रखना है वो आप पे ऊपर है अगर ये आप ऐसा कैलकुलेट करोगे मेरा तो एक ऑप्शन चला गया हाँ इधर दिख मेरे को अगर आप ऐसा कैलकुलेट करोगे बिकॉज जो फर्स्ट फोटो है उसमें आपने किफेलिक वेन भी यूज किया बेसिलिक वेन भी यूज किया फिशुला फोराम में है राइट अगर ये फिशुला बंद हो गया और स्टेट अवे डू टू मेन ऑप्शन नेटिव वेन का ऑप्शन चला गया सेकेंड इज ये सेकेंड ऑप्शन भी सेम है एक फोराम में पंक्चर किया है और एक एल्बो पे पंक्चर किया तो मेरे को तकलीफ क्या होता है वेन आई डू अ सेकेंड सर्जरी जब प्राइमरी फिशोला फोराम फिशोला बंद होता है एंड वेन आई वॉन्ट टू डू अ सेकेंड सर्ज इन द ब्रेकिल साइड या एल्बो में फिशोला बनना है तो वेन मिलता नहीं है उधर वेन का वॉल ठीक हो जाता है वेन का एक्सेस डिफिकल्ट हो जाता है सो आई एम लूजिंग अ एक्सेस साइड दिस इज माई फेवरेट बेसिकली द सेकंड फोट इज माई फेवरेट यू हैव अ गुड वेन देखो नीचे इतना अच्छा वेन है पर फिर भी एल्बो पर कैन्युलेट करना है मैं इफ यू आसमी मैं आज तक एक भी पेशेंट देखा नहीं जिसका फोरम में दो कैनुलेशन हुआ है फोर आर्म ने बनाया उनका एल्बो पे ही कैनुलेशन होता आई डोंट नो वाई सो यू आर लूजिंग द एक्सरसाइज दैट्स माई प्रॉब्लम सर योर कमेंट ऑन दिस सो ये हमेशा जब लाइफ बढ़ गई है डायलिसिस पे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका फोर आर्म फिश चूल्हा है रिस्क फिश चूल्हा है तो आप एल्बो के इल्बो के नीचे रहो इल्बो के ऊपर जाना ही नहीं है या एल्बो के वेन को तो टच करना ही नहीं है क्योंकि इल्बो का वेन इनके लिए फ्यूचर में कभी भी फिस्टूला लगेगा तो ऑप्शन है फ़ायदा क्या है अगर हम एल्बो का वेन बचा के रखेंगे तो जो फिस्टूला आपने डिस्टल में बनाया आम ए, फोर आम रिस्ट पे बनाया उसके चलते आम की भी वेन जो है किफेलिक वैन वो मेच्योर्ड हो चुकी है तो इनको फिस्टूला बनाने में बहुत आसानी होगी इसके लिए वो बार बार बोल रहे हैं कि बचा के रखो मेरे को आराम होता है जब डिस्टल में रिस्ट में फिस्टूला है तो आम में फिस्टूला बसाना आसानी होती है यस yes. और ऑप्शन क्या है कि आप जल्दी से मेच्योर्ड हो जाएंगे वो फिस्टूला जैसे ही सर बनाएंगे ब्रेक्यू कैफेलिक फिस्टूल्हा या ब्रेक्यू बेस्लिक तो वो फिस्टूला जल्दी मेच्योर्ड होती है और ब्रेक्यू कैफेलिक में केफेलिक वेन ऑलरेडी मेच्योर्ड है तो उसमें हम डायलिसिस भी जल्दी चालू कर सकते हैं दो से चार हफ्ते में चालू कर सकते हैं जो कि बाकी फिस्टूला में तीन से छः महीना भी लग सकता है ये सब कॉम्प्लिकेशन है जो हम लोग इमेच्योर फिशुला में जब कभी भी हम कैन्यसन करते हैं तो अभी नेक्स्ट सवाल जो है वो है कि सब लोग जानते हैं कि जैसे आकाश ने भी बोला है कि आप लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं डायलिसिस केयर में पेशेंट के लिए भी और नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए भी और वेस्कुलर सर्जन के लिए भी तो ऐसा क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हो डॉक्टर अमीश एंड डॉक्टर साहली कि उनको आप एडवाइस दोगे कि ये चीज करने से आप कैथेटर या फिस्टुला का जो थ्रोम्बोसिस है उसको आप प्रिवेंट कर सको सो गुड मॉर्निंग एवरीवन इस सवाल को मैं दो त, दो हिस्सों में डिवाइड करूंगी एक इज प्रिवेंशन ऑफ कैथेटर थ्रोम्बोसिस वन इज प्रिवेंशन ऑफ फिस्टुला थ्रोम्बोसिस और uh, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन मतलब नर्सेज और टेक्नीशियंस डू दे प्ले अम्पॉर्टेंट रोल दे डू प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल दे आर द फर्स्ट लाइन आकाश डॉक्टर आकाश के स्लाइड्स में आपने देखा है कि हर हर स्टेप में आपका जो इन्वॉलमेंट है to ensure that the patient uh, safely gets started on dialysis, the dialysis continues in a safe way and recurrently जैसे आप patient को हर बार देखते हो एक nurse एक technician जैसे patient को हर बार हर dialysis में देखता है तो उसके कैथेटर उसके एक्सेस का आ, आ, प्रोग्रेशन हमें पता चलता है हमें पता चलता है कि एक्सेस ठीक से फंक्शन करता है नहीं है एक्सेस में कुछ नए प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ रहे हैं एक्सेस का फ्लो कम हुआ है एक्सेस में कोई इन्फेक्शन है कैथेटर हो या फिस्टुला हो ये सब चीज़ों का जो आपको हर रोज़ पेशेंट हर ऑल्टरनेटिव डे जैसे आप पेशेंट्स को देखते हो यू गेट वैल्यूएबल क्लूज यू गेट इंपॉर्टेंट क्लूज विच आर वेरी इसेंशल टू मेनटेन लॉन्ग टर्म एक्सेसिस आपके जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो पेशेंट को आपसे कम वो पेशेंट को आपसे कम देखते हैं आप पेशेंट को चार घंटा हर हर हफ्ते में तीन बार आप देखते हो योर नेफ्रोलॉजिस्ट मे नॉट बी एबल टू टेक एन एक्यूरेट लुक एट द पेशेंट एवरी टाइम ही सीज द पेशेंट सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट नर्सेज और टेक्निशियंस आर वेरी अलर्ट इन टेकिंग केयर ऑफ द डायलिसिस एक्सेज देर इज नो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन एट ऑल एंड हम वॉट आर द स्टेप्स विच आर गोइंग टू बी यूजफुल टू यू टू प्रिवेंट कैथेटर थ्रोम्बोसिस एंड पिस्टो थ्राम्बोसिस अगर इसके बारे में हमें कुछ बोलना है तो विद रिस्पेक्ट टू अ कैथेटर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैथेटर जैसे ही आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो कैथेटर आप एसेप्सिस फॉलो करते हो आप डायलिसिस का फ्लो या मशीन के अलार्म्स पे ध्यान देते हो

तो आप उसके लिए क्या करते हो डू एस्पिरेट द ब्लड डू यू इंस्टिल सम सोल्यूशन आप यूजुअली आप क्या यूज़ करते हो कैथेटर थ्रोम्बस प्रिवेंट करने के लिए uh, आप बाइकार्बोनेट uh, डालते हो uh, आप हिपेरिन uh, बाइकार्बोनेट uh, डाल के यू वेट फॉर सम टाइम एंड यू सी the thrombus इज uh, dissolved आप uh, हिपेरिन डाल के देखते हो हायर कॉन्सेंट्रेशन में अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो यू ट्राई टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द कैथेटर कैथेटर का ओरिएंटेशन चेंज करने के बाद समटाइम्स यू गेट अ फ्लो समटाइम्स यू आर एबल टू फाइंड आउट वैदर कैथेटर इज नॉट गोइंग टू फंक्शन एट ऑल आफ्टर दिस और नो ये सब करने के बाद मानो आपका कैथेटर चल रहा है इन बिटवीन इफ यू आर गेटिंग मशीन दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर कि दिस एक्सेस इज नॉट गोइंग टू बी फंक्शनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू हैव टू अलर्ट द नेफ्रोलॉजिस्ट रिगार्डिंग द कैथेटर प्रॉब्लम वट एल्स कैन बी डन आफ्टर द एंड ऑफ डायलिसिस आप इसमें कैथेटर लॉक सोल्यूशंस डाल सकते हो जैसे हिपैरिन है साइट्रेट है विच विल हेल्प प्रिवेंट थ्रोम्बस इन द कैथेटर एंड इसके अलावा कैथेटर्स का लॉन्ग टर्म केयर शॉर्ट टर्म कैथेटर्स हमें लंबे समय रखने नहीं है जैसे आपका फीमोरल कैथेटर वन वीक के ऊपर रखना नहीं है वरना थ्राम्बसिस के लिए ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे आपका जो जुगुलर कैथेटर है वो टू या थ्री वीक्स के ऊपर रखना नहीं है आपने इमीजिएटली पेशेंट को मोटिवेट करना है डॉक्टर्स को अलर्ट करना है कि दिस पेशेंट नीड्स अ चेंज ऑफ कैथेटर या दिस पेशेंट हैज़ टू बी पुश टुवर्ड्स फॉर्मिंग एन ए फिस्टुला सो इन सब चीज़ों में इफ यू इफ यू पुट अटेंशन इफ यू अलर्ट द पेशेंट एंड द डॉक्टर दिस इज गोइंग टू हेल्प इन प्रिवेंटिंग कैथेटर थ्रोम्बोसिस इन द लॉन्ग रन फिस्टुला थ्रोम्बोसिस अगर ऐसा कोई पेशेंट आया विद द स्किन में प्रॉब्लम है डो नॉट कैनुलेट मैटर एंड नो सेकेंड था यू टू रिफर टू द रेफरोलॉजिस्ट बोलना है कैथरा no डालना है नो सेकेंड थाट्स सेकेंड स्लाइड दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर कैनुलेशन टेक्निक वेन इजिली पालपेट नहीं होता है वेन आइडेंटिफाई नहीं होता है प्लीज डोंट कैनुलेट ये फेशला यूज नहीं हो सकता इट्स ऑलरेडी गॉन देखना दि दिख रहे हैं इधर दिख रहे हैं सो दिस आर समुलेशंस विच यू सी इफ अगर वेन ठीक से नहीं दिख रहा है प्लीज डोंट कैनुलेट इसमें बिकॉज जैसे मैं बोला कि मेरा हंड्रेड परसेंट फिशला सक्सेस नहीं होता आई हैव अ फेलियर रेट ऑफ फाइव टू टेन परसेंट दिस इज एक्सेप्टेबल फेलियर रेट थ्रो द वर्ल्ड वन स्टडी शोइंग थर्टी परसेंट फेलियर रेट सो दैट इज एक्सेप्टेबल द सेम वे वैसे ही अगर फिशुला कैनुलेट नहीं होता है दैट इज एक्सेप्टेबल एंड यू हैव टू यूज अदर टेक्निक्स जैसे हम चेंबूर में वी यूज यू एस गाइडेड कैनुलेशन होता है डिफिकल्ट नहीं है दो तीन बार कैनुलेट करो देन बटन होल्ड टेक्निक से यूज़ करो प्लीज़ डोंट अटेम्प्ट अटम्प्ट फिशुल्ला विच कैनोट बी कैनुलेटेड ये जो फिशुला है दिस इज़ अ बेसिलिक वीन अब देखो साइड किधर पंक्चर किया है द प्रॉब्लम इज इधर आर्ट्री भी रहता है नीचे

कितने लोगों ने देखा है सो so, इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं मैंने तो दो केस देखा है और दोनों केस में कम से कम इसकी हिलिंग को पूरा एक महीना लग गया और हाथ में डिफॉर्मिटी और अस्कार तो अलग सो so, इसको अवॉइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेसलिक वेन को कभी भी कैनुलेट नहीं करना अनलेस डॉक्टर मात्रे ने उसको रिपोजिशन किया है ट्रांसपोजिशन किया है और उसको सुपरफेसिलाइज कर दिया है अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो आप क्या एडवाइस करते हो कैलेशन uh, whether... साइट में स्कार है वाइटनिंग है थिनिंग है इफ अगर बीच में फिशरा बराबर चालू है सो चेंज द कैलेशन साइट

ऐसे केसेस में आप क्या एडवाइस करते हो जब कैथेटर में ऐसे ड्रेसिंग हम लोग देखते हैं सर कैन यू गो बैक टू दैट प्रीवियस स्लाइड या सो इस फर्स्ट इमेज में यू हैव अ शाइनी स्किन ओवरलैंग दिस स्वेलिंग जो बोलता है कि देयर अ एन्यूरिज्मल डायलेटेशन ऑफ द साइट एंड अगर यहाँ हम कैनुलेट करेंगे तो इट इज लाइकली टू गेट मोर ट्रॉमा मोर इंजरी एंड इट इज लाइकली टू इंक्रीज एन एक्सपैंडेंस साइज

तो इस इन द फर्स्ट इमेज व्हाट इज रॉंग इन द फर्स्ट इमेज कैन एनीवन टेल एन वॉन्ट है इसमें आप क्या करोगे डायलिसिस करोगे या कुछ और करना पड़ेगा हमें इसके लिए इसमें एक सिचुएशन ऐसा है ये केस में ना बहुत टेक्नीशियन के मन में रहता है कि इसको वापस हम अंदर पुश कर दें और एक नया स्टिच ले लें बहुत लोग करते हैं किया आप लोगों ने तू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट लाइफ बचेगी कि नहीं बचेगी लेट्स बी ऑनेस्ट वन ऑनेस्ट आंसर हु हैज डन दिस लेट्स बी ऑनेस्ट कोई जज नहीं करेगा किसी ने किया है आई हैव डन दैट इन द पास्ट आई हैव डन इन द पास्ट व्हेन आई रियलाइज बाय मिस्टेक्स एनीवन हैज डन दैट यस वन सर यस एक्सेप्टेड नहीं ये सब चीज मैं हां बोलता हूं <laughs> वो अंधभक्त है हम लोग का बराबर ना क्या हाँ। <laughs> किया है ना अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने पास टाइम कम है ये क्वेश्चन डॉक्टर आकाश के लिए है कि हम लोग जो वैस्कुलर एक्सिस प्रॉब्लम इनकाउंटर करते हैं और जिससे कि पेशेंट का आउटकम काफ़ी तकलीफ़ में रहते हैं पेशेंट तो ऐसा क्या टीम वर्क आपको लगता है कि जो कि इस पेशेंट के आउटकम को इम्प्रूव कर देगा बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम तो यही होता है कि फेस्टूला जो है हम लेट बनाते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स हम दुनिया भर से लेट बनाते हैं ठीक है और लेट जो बनता है ये टेक्नीशियन का दोस्त नहीं है part, नहीं है सही बात तो डोंट ब्लेम देम ठीक है नहीं हम वी आर अ टीम वी आर ब्लेमिंग आर सेल्स मेरा क्वेश्चन टीम वर्क पे है तो मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ इसके लिए बट हाँ सो बेसिकली लेट बनाने के कारण लेट मच्योरेशन होता है इसके कारण हम वी एंड ऑफ स्टार्टिंग डायलिसिस मोर ऑफन विध जुगुलर कैथेटर्स या लाइंस जो आपके सेंट्रल वेन्स को डैमेजिंग होती है और अल्टीमेटली प्रॉब्लम फिस्टुला पे नहीं होता है काफ़ी बार प्रॉब्लम सेंट्रल वेन्स पे होता है वो सेंट्रल वेन्स को डालने के मतलब कैनुलेट करने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो फिर हम लाइफ लॉन्ग झेलते रहते हैं तो ये प्रॉब्लम्स जो होता है कि हम अर्ली फिस्टुला बनाना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है और दूसरी बात ये है कि हम जैसे सर ने इतनी बहुत उमदा तरीके से अभी येलोसिड दिखाया हमें सबको कि हम ये पेशेंट के लाइफ के पूरे लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे आज कल परसों मेरा फिस्टुला कैंडोलेट हो रहा है नहीं हो रहा है ये देख के एक पॉइंट एस्टैब्लिश करके बटन होल एस्टैब्लिश करके वी फील वेरी प्राउड सो दैट इज अ प्रॉब्लम हमें जैसे कोई अगर पेशेंट एक आता है मेरा एक स्टेटमेंट काफ़ी बार काफ़ी पेशेंट्स को रहता है कि तुम मेरे साथ अभी चालीस साल के लिए हो ठीक है सो डायलिसिस पेशेंट का जो किडनी का पेशेंट है वो एक साल दो साल पाँच साल नहीं होता है हमारे ऊपर है एज अ टीम टू मेक दिस पेशेंट लिव फॉर नेक्स्ट थर्टी फोर्टी ईयर्स एंड इट इज़ पॉसिबल ऐसा एग्जैक्ट मतलब सरप्राइज मत होइए कि मैं 40 साल कह रहा हूँ इट इज वेरी मच पॉसिबल सो so, अगर हम पूरे लाइफ को अगर उसको देखते हैं तो उसका फेस्टूला जैसे सर ने बताया दस साल के ऊपर बहुत सारे बहुत कम फेस्टुलाज चलते हैं सो यू हैव टू मेक श्योर दैट फ्यूचर में इस पेशेंट की एक्सेस की साइट्स पॉसिबल है समझो पाँच साल एक फिस्टुला चला आपको ऊपर दूसरा फिस्टुला के बारे में सोचना है परमाकेस के बारे में सोचना है जैसे कि अगर वो जो कफ बार निकला हुआ केस था अगर आप उसमें डायलिसिस करते रहेंगे आप अगर इनवेरेबली देखेंगे उसका टिप है ना मिडल वो जो कॉमन इनोमिनेट में आ चुका होगा वहाँ पे वो फ्लैप करता रहता होगा वो आपके वेंस को डैमेज करते हुए वहाँ पे फॉर्म करके दोनों साइड के वेन्स को खराब कर देगा तो ये केस में अगर आप ये डायलिसिस कंटिन्यू करते रहेंगे आपके फ्यूचर के दोनों यू नो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। मॉनिटरिंग ऑफ फिस्टुला इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली यू नो इंपॉर्टेंट जो हम नहीं कर पा रहे हैं और वो अर्ली फिस्टुला फेलियर्स को पिकअप नहीं कर पा रहे हैं। ये कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स है और जे जो आपके पेशेंट के लाइफ को करटेल uh, करता है और ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से इन्फेक्शन रिपीटेड इन्फेक्शन होने के कारण पेशेंट की तबीयत भी खराब होते जाती है सो so इसमें टीम वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टीम में बहुत सारे लोग आ सकते हैं एक तो सबसे इंपॉर्टेंट टीम में जो मेंबर है वो आप है बिकॉज जिस तरीके से आप फिस्टुला को एग्जामिन कर पाते हैं जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है वो शायद ही हम किसी को मिलती होगी बिकॉज अगर हम डायलिसिस में भी राउंड्स पे आते हैं वो फिस्टुला यूजुअली कैनुलेटेड होता है टेप्ड होता है तो हम एग्जामिन नहीं कर पाते है. जब क्लिनिक पर आते हैं एक तो डायलिसिस पेशेंट्स क्लिनिक पर पे बहुत कम आते हैं आधे पेशेंट्स तो हमारे हम हमारे नहीं रहते हैं काफ़ी बार जाके वो सेंटर्स में ही आता है शायद साल दो साल में एक बार आ जाए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके ऊपर वो जिम्मेदारी आ जाती है कि इस फिस्टुला को कैसे बचा के रखना है सो so, uh, ऐसे काफ़ी सारे जैसे मैंने वो एक uh, मेरे लास्ट स्लाइड में दिखाया था वो एक चार्ट बताया था स्कोरिंग का हम ऐसे स्कोरिंग सिस्टम इस्टैब्लिश कर सकते हैं जहाँ पे आप फिस्टुला को हर बार ग्रेड कर रहे हैं यू कैन हैव मंथली और यू नो वंस इन क्वार्टर वंस इन थ्री मंथ्स ऑडिट्स कि आप अपने फिस्टुला का uh, के लिए क्या कर रहे हैं क्लीनिंग के लिए क्या मेथड्स यूज कर रहे हैं इन्फेक्शन फ्री डेज करके एक बोर्ड uh, लगाया जाता है काफ़ी डायलिसिस सेंटर्स के बाहर के सेलिब्रेटिंग हंड्रेड डेज ऑफ नो कैथेटर इन्फेक्शन तो ऐसे सारी चीज़ अगर हम करें हम ऑडिट टीम्स को इस्टेब्लिश करें नर्सेज को इस्टेब्लिश करें और एक फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करें बिटवीन द टेक्नीशियन द वास्कुलर सर्जन एंड द नेफ्रोलॉजिस्ट इट गोज अ लॉन्ग वे इन टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स लाइफ एंड द फिस्टुला तो उस समय पर मैंने वो समय दो चार घंटे निकाल दिए ये एम नहीं होना चाहिए आगे का पूरा लाइफ के बारे में उसका सोचना है दिव्या एनी कॉमेंट्स येस थैंक यू सर सो गुड मॉर्निंग तो आकाश ने जैसे बहुत अच्छे से हमें समझाया कि आप लोग हमारे फेस हैं लाइक फ्रंट रनर्स हैं आप पेशेंट के साथ वो चार घंटे हफ्ते में तीन दिन बारह घंटे तो यूजअली करते ही हैं हम ओ पी डी में दस मिनट दो महीने में एक बार तीन महीने में एक बार स्पेंड करते हैं सो देर इज नो कम्पेरिजन कि आप क्या कर सकते हैं वर्सेज हम क्या कर सकते हैं आप डेफिनेटली हमसे कई गुना ज़्यादा बहुत ही बेहतर वे से पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू सर प्रीवियस लाइट सो आप आप अपने तरफ से तो सब कुछ कर सकते हैं जैसे कि आकाश ने बताया आप बटन होल ना करके रोप लैडर कर सकते हैं आप जल्दी से फिशुला में जो डेंजर साइंस हैं उन्हें देख सकते हैं इन्फेक्शन के साइंस थ्रोम्बोसिस के साइंस या स्टीनोसिस के साइंस ये देख सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे पर अपार्ट फ्रॉम दैट आप खुद अपने लेवल पर एक टीम भी बना सकते हैं पेशेंट हमसे ज़्यादा आप पे भरोसा करेंगे आप उनके ज़्यादा क्लोज रहते हैं अगर हम बोलेंगे कि वो तीन चार अलग अलग लोगों को जाके मिलें डाइटिशियन को मिलें दूसरे लोगों को कंसल्ट करें अपना न्यूट्रिशन इम्प्रूव करें तो वो ज़्यादा नहीं सुनेंगे जब वो हमारे पास आते हैं तो वो अपने सिम्टम्स और वो माइंड से आते हैं कि उन्हें कुछ तकलीफ है हम उन्हें दवाई दें आप जब उनसे बात करेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि कैसे वो अपना न्यूट्रिशन इम्प्रूव करें कैसे वो अपना हाइजीन इम्प्रूव करें काफ़ी बार हमसे पेशेंट ज़्यादा शर्माते हैं आपसे वो खुल के बात कर सकते हैं तो हाइजीन की बातें हैं न्यूट्रिशन की बातें हैं रोज फिशूल्ला को एग्जामिन करने की बातें हैं ये सब बातें जितना अच्छे से आप उन्हें समझाएंगे जितना डायरेक्ट वन टू वन आप उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे उतना शायद हम नहीं कर पाए तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप भी अपने लेवल पे एक टीम बनाइए एक न्यूट्रिशन पर्सन से कंसल्ट कर सकते हैं आप कभी कभी जैसे कि आकाश ने बताया डॉक्टर के लिए पेशेंट को भेज सकते हैं काफ़ी बार ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली भेज सकते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट को बस इन्फॉर्म कर दीजिए आपको कुछ हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है इस तरह से आप हर तरह से अपने पेशेंट का को हेल्प कर सकते हैं ताकि उनका एटलीस्ट एक्सेस सेफ रहे और वो डायलिसिस लंबे समय तक कंटिन्यू करते रहें इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में है डॉक्टर अमित के लिए कि कैसे ये सेटअप करें अपने जो लिमिटेड रिसोर्स है हम लोग काफ़ी रिच कंट्री तो है नहीं कि हर चीज़ के लिए एक अलग से सिस्टम क्रिएट करें तो अपने लिमिटेड रिसोर्स में कैसे इसको हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं केयर टीम प्लान जो कि जिसमें कि डायलिसिस प्रोफेशनल भी सहयोग करें व्हाट मैं एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि टेक्नीशियंस को पता नहीं रहता फिशोला कैसे बनता है व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज सर्जरी के टाइम क्या डिफिकल्टीज होता है सो so, जब तक उनको वो समझता नहीं है दे वोट नो हाउ टू टेक केयर उनको फिशुल. क्या लगता है मैं बताता हूँ उनको लगता है कि डॉक्टर अमीश मात्रे घुसते हैं और दस मिनट में निकल जाते हैं और इतना चार्ज कर देते हैं तो उनको लगता है कि ये बहुत ईजी गेम है दस मिनट में फिश चूल्हा आप बना देते हैं तो उनको लगता है कि इतना ईजी है तो बार बार बनाओगे तो भी दिक्कत नहीं है <laughs> तो वही मतलब है कि अगर वो ओटी तो, में आए अगर देखे कि मतलब क्रिएट अ स्मॉल टीम एटलीस्ट ऑब्जर्व करे कि कैसा होता है या फिर वी कैन हैव दो OTs तो है अपना वी कैन हैव टेक्नीशियंस टू कम इन दी वे कॉम्प्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जब कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन को जब ट्रीट करते हैं जैसे बेसिलिक वेन में आर्टरी पंक्चर हो रहा था उसको ट्रीट करते हैं जब आप ग्रेविटी देखोगे उस सिचुएशन का कि कितना लंबा सर्जरी तीन तीन चार चार घंटे की सर्जरी चल रही है पेशेंट को तकलीफ हो रही है एनेस्थेसिया के थ्रू जा रहे हैं तब आप रियलाइज़ अभी क्या है ना कि हम लोग इस चीज़ को फेस करते हैं या तो नेफ्रोलॉजिस्ट फेस करता है या वेस्कुलर सर्जन फ़ेस करता है कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है उसमें जो भी पेशेंट या रिलेटिव को फ़ेस करना सर ए कैसे हो गया आपके टेक्नीशियन को कुछ आता नहीं है मतलब आपने 90 परसेंट टाइम अच्छा काम किया लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन के चलते पूरा सिस्टम पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है ख़राब कर लाता तो वो जब सर जो बोल रहे हैं ना उस समय जब आप देखोगे उस कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करते हुए तब आप रियलाइज करोगे कि कैसे ये तकलीफ होती है पेशेंट को ये सवाल जो नेक्स्ट है वो दिव्या के लिए है दिव्या हम लोग बहुत सारे इन्फेक्शन देखते हैं और जैसा कि आज से 20 साल पहले फिस्टूला 90 परसेंट पेशेंट में था और 10 परसेंट पेशेंट टेम्पररी कैथेटर्स पे रहते थे 10 साल से टेम्पररी कैथेटर से स्विच ओवर हुआ परमानेंट कैथेटर और टनल कैथेटर की तरफ आज कोई भी डायलिसिस यूनिट में देखेंगे तो 70 परसेंट फिस्टूला है ऑलमोस्ट और थर्टी परसेंट कैथेटर रहते हैं टनल कैथेटर रहते हैं। और हम लोग हर दिन किसी न किसी पेशेंट को फीवर और राइगर्स ऑन डायलिसिस देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ कैथेटर से ये इन्फेक्शन होता है कि फिस्चुला से भी होता है अगर होता है तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं यस yes, सर uh, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट सर ने रेज किया है जब भी हम फीवर सोचते हैं हम कैथेटर और उसका इन्फेक्शन सोचते हैं अगर हमारा पेशेंट फिस्चुला पे है तो हम ये भूल ही जाते हैं कि फिस्चुला भी एक प्रकार का जरिया है जिससे इन्फेक्शन जर्म्स अपने बॉडी के अंदर घुस सकते हैं सो so, <laughs> no, it's not. Slide, no problem. Slide. So, uh, Abhi. जैसे कि आ, आकाश की एक बहुत ही अच्छी स्लाइड थी जिसमें उसने बताया कि जो बटन होल होता है उसमें एक टनल होता है तो टनल जब हम फिशुला को कैनुलेट करते हैं तो हम यूजुअली उसको क्लोरहेक्सिडिन से क्लीन करते हैं पेशेंट को उसके पहले वॉश करने को बोलते हैं पर ये सब करके थोड़े जर्म्स फिर भी बच जाते हैं आप कितना भी अच्छे से कुछ भी क्लीनिंग करेंगे थोड़े जर्म्स फिर भी बच जाते हैं और वो थोड़े से जर्म्स टनल के थ्रू फिशुला की नीडल के टिप पर बैठ के अंदर ब्लड वेसल में जाते हैं

टू 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 पॉइंट सेवन डेज उनको इन्फेक्शन होने का रिस्क रहेगा सो इट इज़ नॉट दैट फिशुला इज फ्री ऑफ इन्फेक्शन फिशुला भी अपने पेशेंट को इन्फेक्शन दे सकते हैं वो एक जरिया हो सकता है जिससे अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में चला गया अब प्रॉब्लम क्या है वो तो अंदर चला गया किसी ने देखा नहीं चला गया वो जाके अपने बॉडी में अलग अलग जगह पे बैठ सकता है जैसे कभी वो जाके अपने जहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है उन जगहों पे वो जाते हैं तो कभी कभी वो जाके अपने जॉइंट्स में बैठ जाते हैं और पेशेंट को आर्थराइटिस हो जाता है अभी डायलिसिस पेशेंट फीवर आ गया जॉइंट दुख रहा है आर्थराइटिस हो गया कोई ये नहीं सोचेगा कि वो कहाँ से आया वो हो सकता है आपके फिस्टूला से आया हो ऐसे इसको हम मेटास्टेटिक इन्फेक्शन बोलते हैं काफ़ी कॉमनली ये हार्ट में चला जाता है बिकॉज हार्ट में ब्लड का सबसे ज़्यादा uh, एक्सपोजर होता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाके हार्ट में बैठ जाता है कभी कभी वो स्पाइनल कॉर्ड में बैठ जाता है जहाँ पे जाके वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है जैसे कि पैरालिसिस तो इसको हम मेटास्टेटिक इन्फेक्शन बोलते हैं जैसे कि अपना कैंसर अलग अलग भाग में जाता है वैसे ये इन्फेक्शन फिशुला से निकल के ब्लड स्ट्रीम में जाके और अलग अलग भाग में जाके छुप जाता है फिर इसको ढूंढना और पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी भी आप फिशूल्ला पहले तो कैनुलेट करने के सारे प्रिकॉशंस यूज़ करें और फिश्टूला के पेशेंट को अगर फीवर आ रहा है तो ये दिमाग में रखें कि ये भी एक इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है और उसका फोकस भी फिश्चुल्ला हो सकता है ये पता करना हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अच्छा दूसरा एक वहाँ पे हमने लिखा था स्टैफ एपिडिडामिस और स्टैफ ऑरियस। तो अगर आपके पेशेंट को बार बार फिस्टुला साइट पे इन्फेक्शंस हो रहे हैं जैसे कि लाल हो रहा है सूजन आ रहा है दर्द हो रहा है तो इन पेश ये पेशेंट एक स्पेशल प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज़म के कैरियर हो सकते हैं मतलब उनके नोज में या उनके हाथों में उनके कहीं किसी शरीर के भाग में ये बैक्टीरिया अपना घर बना लेते हैं वो घर ऐसे बना है कि आपको दिखेगा नहीं और वो घर से वो धीरे धीरे फिशुला के पास निकल निकल के आते हैं और उससे अंदर घुस जाते हैं तो ऐसे पेशेंट को स्पेसिफिकली ये जो घर बन गया है उस पर डायरेक्टेड हमें स्पेशल एंटी एंटीबायोटिक देना ज़रूरी होता है वो स्पेशल ऑर्गेनिज्म के लिए तो बेसलाइन ये है कि जब कोई पेशेंट बार बार इन्फेक्शन करके आए तो फिशुला के प्रॉब्लम्स को ध्यान देना और बैक्टीरिया का जो कोलोनाइजेशन हम इसको बोलते हैं घर बनाना उस पर ध्यान देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है uh, सबसे इम्पोर्टेंट अपने फिशचूल्हा में होता है कैसे टेक्निक से आप डाल रहे हैं रोप लैडर या फिर बटन होल बटन होल को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए आई नो ये आपके लिए भी इजी होता है पेशेंट के लिए भी इजी होता है काफ़ी पेशेंट प्रेफर करेंगे बट लंबे समय में ये पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है फिशचूल्ह्हा की हेल्थ के लिए भी और इन्फेक्शन की हेल्थ के लिए भी अब समझ लीजिए आपका पेशेंट फिस्टूला में इंफेक्शन लेके आया या जस्ट बुखार लेके आया तो सबसे पहले आपको फिस्टूला को देखना है उसमें कोई अल्सरेशन ब्लीडिंग स्वेलिंग रेडनेस कुछ भी खराबी दिख रही है क्या अगर कुछ भी ख़राबी आपको दिख रही है तो तुरंत आपको डॉक्टर को बुलाना है उसका डॉप्लर करवाना है उसके बाद आपको ये देखना है कि कोई शरीर में कोई मेटास्टेटिक इन्फेक्शन है क्या अगर शरीर में मेटास्टेटिक इन्फेक्शन हो रहा है तो वो काफ़ी सीरियस हो सकता है उसको हमें तुरंत एडमिट करके आई एंटीबायोटिक देना है और जहाँ तक हो सकता है वो फिस्टुल्ला यूज़ नहीं करना है अगर अपना फिस्टुल्ला जो है उसमें जो इन्फेक्शन है वो थ्रोम्बोसिस के जितना पास है सॉरी एनास्टोमोसिस के जितना पास है उतना वो फैलने की चांस ज़्यादा रहेगा क्योंकि वहाँ पे ही ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है तो जितना पास है अगर बहुत ही पास है एनास्टोमोसिस के तो डेफ़िनेटली आपको वो फिशचूल्ला यूज़ करना तुरंत के तुरंत बंद कर देना है तो ये सब तो बात हुई फिश्टूला की एक तो सर ने बोला कि कैथेटर भी बहुत कॉमनली इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ विल बी गिविंग अ वेरी लूसिड टॉक ऑन दिस आफ्टर दिस ऑन कैथेटर एंड उनका इन्फेक्शन बट मैं जस्ट दो चीज़ें बोलूँगी सबसे पहले तो जो स्क्रब द हब दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हब जितना क्लीन रहेगा हब से ही अपना इन्फेक्शन जाता है तो आप एल्कोहल बेस्ड क्लोर एक्जीडीन यूज़ करें पोविडोन आयोडिन यूज़ करें बट मेक श्योर द हब इज़ क्लीन वहाँ से अपने इन्फेक्शन मत जाने दीजिए एक्जिट साइड को हर बार देखिए हर बार क्लीन रखिए एक और मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमने ऐसे काफ़ी देखा है कि पेशेंट को थोड़ा भी बुखार आया और इमीडिएटली एज अ रिफ्लेक्स वैंकोमाइसिन स्टार्ट हो जाता है तो इनडिसक्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स उसको प्लीज ट्राई करिए अवॉइड करने का ये अपने को आगे जाके रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम दे सकता है इवन एंटीबायोटिक लॉक्स ये भी कब देना है कब नहीं देना है सारा पेशेंट बेस्ड फैक्टर सुना सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जो भूल रहे हैं कॉमनेस्ट इन्फेक्शन वर्ल्ड ओवर इन द हॉस्पिटल इज बिकॉज ऑफ पुअर हैंड हाइजीन जो आपके हाथ के ऊपर से कीटाणु जो है आपके शरीर से पेशेंट के शरीर में जा रहे हैं वो हैंड हाइजीन कॉम्प्रोमाइज होना इज प्रोबेबली कॉमनेस्ट आई प्लीज टेल मी इसके ऊपर एक कॉमेंट करूंगा हाँ. कितने लोग हैंड हाइजीन या एस्टरलियम यूज करते हैं देखो सब हाथ उठ जाएंगे लेकिन ये हैंड हाइजीन जो है लेने के बाद, उसके बाद क्या करते है आप लोग कि so, कितनी बार अपने फेस को टच करते हो गाल को टच करते हो नाक को टच करते हो फोन को टच करते हो ये वीडियोस अगर आप याद करेंगे वो हैंड हाइजीन वाले वीडियोस थे सो दैट मेनी टाइम्स यू आर टचिंग योर फेस एंड बॉडी पार्ट्स और वहीं से आप कीटाणु लेके आप पेशेंट के एक्सेस पे कैथेटर पे आप टच कर रहे हो एक बार हैंड हाइजीन जैसे बताया स्टेरिलियम यूज करो आज सुबह स्टेलियम यूज उस किया उसका असर शाम तक नहीं चलने वाला है तो यह मतलब पांच मिनट भी नहीं चलेगा मतलब इन द सेंस आपने जो स्टेरिलियम से वॉश किया है हैंड उसके बाद में डायरेक्टली वो जो टच होगा वो पेशेंट को टच होगा पेशेंट के एक्सेस को पेशेंट को भी नहीं सो इन केस आपने हैंड वॉश करने के बाद बीच में और कोई सरफेस टच किया यू हैव टू गो बैक एंड डू योर हैंड वॉश अगर आपने स्टेलीम यूज किया एक्सेस के बदले कैथेटर के बदले आपने मशीन को टच कर दिया दैट इज अगेन आन स्टेराइट यू हैव टू गो एंड वॉश योर अगेन ठीक है जब हम परमा कैथेटर या एच डी कैथेटर डालते हैं हम एकदम अनटचेबल के जैसे काम करते हैं गलती से टच भी कर देगा मुझे पूरा गाउन चेंज करना पड़ता है पूरा ग्लव चेंज करना पड़ता है सब चेंज करना पड़ता है उस स्टेरिलिटी के साथ हम सर्जरी करते हैं उस स्टेलिटी के साथ हम आपको कैनुलेशन और कैथेटर को यूज करने के लिए कह रहे हैं सो दट इज समिंगरफुल अबाउट पॉइंट सर वैंकोमाइसिन जो रिफ्लेक्स दिया जाता है उससे ज्यादा रिफ्लेक्स से एफ कॉर्लिन और डेक्सा दिया जाता है सो so, ये एलर्जिक रिएक्शंस हाँ एविल एविल सर एविल तो फिर भी बिनाइन है एफ कॉर्लिन और डेक्सा तो और इम्यूनिटी सप्रेस करेगा सो so, ये बेसिकली स्टीरोइड्स है जो हमने पुराने जमाने में यूज करते थे बिकॉज उतने ज्यादा एलर्जिक रिएक्शंस होते थे अभी नए डायलाइजर्स के साथ और मशीन्स में इतना एलर्जिक रिएक्शन होता नहीं है तो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए दिया सही बात है जो नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज ऑफ फीवर होते हैं राइगर्स होते हैं बट मेजोरिटी ऑफ योर फीवर्स आर इन्फेक्शन रिलेटेड फ़ीवर्स उसमें आप एफकॉलिन डेक्सा बार बार देते जाएंगे मैंने बीस बीस एम जी डेक्सा देते हुए सुना हुआ है विच सप्रेस द पेशेंट्स इम्यूनिटी फर्दर तो इन्फेक्शन के टाइम पर और देंगे आप तो और उसका इन्फेक्शन खराब होगा तो प्लीज़ एफकॉलिन या डेक्सा एकदम इतना अब्यूज मत कीजिए और प्लीज़ अपने डॉक्टर्स को पूछिए कि अगर फीवर राइगर्स आया तो वॉट शुड बी योर फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग लेट देम फॉर्म द पॉलिसी फॉर यू ओके सो कैथेटर लॉक सॉल्यूशन जिसे बोला कि कैथेटर रिलेटेड थ्रोम्बोसिस जो है बहुत कॉमन है मैं ऐसा ऑब्जर्व करता हूँ दो पार्ट एक तो जब स्टार्ट करते हैं और जब आप अंदर का हिपेरिन या साइट्रेट सॉल्यूशन को सीरिन से एक्सपायरेट कर लेते हैं ना उसके बाद वो ब्लड जो है काफी समय तक ऑलमोस्ट थर्टी फोर्टी सेकेंड या वन मिनट तक पड़ी रहती है जब तक कि आप लोग डायलिसिस ना शुरू कर ले बहुत लोग फ्लस नहीं करते हैं ये सोचते हैं कि हम तो रिंस कर लिए हैं डायलिसिस तुरंत स्टार्ट करेंगे और टर्मिनेशन के टाइम में भी यही टाइम फ्रेम जो है वो 30 टू 45 फाइव सेकेंड जो ब्लड कैथेटर में पड़ी रहती है ना वो क्लॉट को बनाने में मदद करती है ऐसा कौन कौन सा सॉल्यूशन है जो आप यूज कर सकते हैं अपने डायलिसिस यूनिट में और अगर किसी को थ्रोम्बोसिस होती है तो क्या करना चाहिए सो इन डायलिसिस कैथेटर्स में जैसे आपने सुना इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए आपके पास बहुत मौके हैं बट दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोल्यूशंस इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव सोल्यूशंस टू प्रिवेंट सम इन्फेक्शंस हैपनिंग फ्रिक्वेंटली सो दो फंक्शंस है कैथेटर लॉक के वन इज़ टू इंश्योर एंटी को ब्लड फॉर्म होकर ब्लड क्लाट होकर वहाँ कैथेटर को ब्लॉक ना करे और दूसरा है कि जो इस सोल्यूशन के द्वारा हम एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं फॉर इंश्योरिंग कि इन्फेक्शन ना हो मैं पेशेंट के कैथेटर में इन्फेक्शन ना हो सो वॉट आर द कॉमनली यूज सोल्यूशन आप हिपेरिन जानते हो हिपेरिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है आप जानते हो वॉट कॉन्सेंट्रेशन डू यू यूज थाउजेंड या टू थाउजेंड यूनिट्स पर एम एल नहीं इनके पास फाइव थाउजेंड पर एम एल रहता है So, आप उसको डाइल्यूट करते हो और उसको आ, कैसे यूज करते हो आप किस तरह से यूज करते हो कितने लोग 2.5 पॉइंट फाइव एम एल लेते हैं कितना एम लेते हैं लेते ही नहीं है तो थ्रम्बोसिस तो हो होगा ही ना <laughs> कोई जवाब नहीं दिया था। ले रहे हो कि नहीं भाई 2 एम 10,000 और उसको कितने एम में डाइल्यूट करते हो कैथेटर के, के मार्किंग के हिसाब से कि 2.5 पॉइंट फाइव थ्री एम एल फाइव एम बना लेते हैं पहले तो हम लोग यही सुनते थे फाइव एम बनाने का 2.5 एक ईच पोर्ट में डाल देने का ऐसा होता है सो कैथेटर के लिए हम 2000 थाउजेंड यूनिट्स पर एम एल का कंसंट्रेशन यूज़ कर सकते हैं पर किसी पेशेंट को अगर हमें रिस्क ज़्यादा लगती है कैथेटरथराम्बस की जिनको कोएगलेशन के कोई एबनॉमिलिटीज़ होते हैं उनमें हम हायर कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर सकते हैं पर व्हाट इज़ द साइड व्हाट इज़ द कॉन ऑफ यूजिंग हिपेरन हिपेरन uh, कभी कभी इन्फेक्शन प्रमोट करता है तो जो पेशेंट्स इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं कभी कभी हम uh, उनमें हिपेरन uh, की जगह साइट्रेट की यूज़ करने की कोशिश करते हैं साइट्रेट uh, के सोल्यूशन uh, में एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और एंटी प्रॉपर्टी भी होती है जिससे वो दोनों काम करता है पर फिर भी आपका फर्स्ट चॉइस इज़ हिपैरन इन पेशेंट्स वेयर यू के नॉट यूज़ हिपेरन फॉर सम रीज़न यू विल ट्राई टू यूज़ साइट्रेट इसके अलावा एंटीबायोटिक सोल्यूशनस हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कॉमनली हम जेंटामाइसिन लॉक यूज़ करते हैं या वैनकोमाइसिन लॉक यूज़ करते हैं फाइव मिलीग्राम्स पर एम का कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं जेंटामाइसिन कैन बी मिक्स्ड विथ हिपैरिन टू इन्श्योर दैट इट गिव्स बोथ द एक्शंस ऑफ एंटीबायोटिक एंड एंटी और इन दोनों के अलावा देर आर मैनी अदर एजेंट्स जिनका कॉन्सेंट्रेशन अगर हम रिसोर्सेज में देखते हैं तो उसका कंसंट्रेशन हमें पता चलेगा जैसे सिफेजोलिन जो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए है सीपोटैक्सिम जो अगेन विल कवर ग्राम पॉजिटिव प्लस नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स इसके अलावा मीनोसाइक्लिन आपने नाम सुना होगा वो लॉक दैट लॉक इज़ यूजफुल फॉर ब्रॉडर एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम और अभी न्यूली टोरोलिडिन इज़ अ न्यू कैथेटर लॉक सोल्यूशन विच कैन ऑल्सो वर्क ऑन ऑन फंगस सो बैक्टीरिया के साथ में फंगस के लिए भी टोरोलिडिन uh, का यूज है सो so, ये सब लॉक सॉल्यूशंस गो अ लॉन्ग वे इन एंश्योरिंग द पेटेंसी एंड इन्फेक्शन फ्री सर्वाइवल ऑफ योर कैथेटर एंड योर पेशेंट

सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें यह, यहाँ बात हो रही है पेशेंट एम्पावरमेंट की कि पेशेंट को आप क्या क्या सिखाएंगे पेशेंट को क्या करना चाहिए आपको क्या क्या करना चाहिए सो क्विकली टेलिंग यू सबसे पहले पेशेंट को बोलना है अपना फिशचूल्हा को जब वो पूरा हील हो गया बनने के थोड़े दिन बाद उसके बाद अच्छे से एंटीबैक्टीरियल सोप से वॉश करना है डेली डायलिसिस के पहले डेफिनेटली वॉश करना है इमीडिएटली डायलिसिस के बेड पे लेटने के पहले उसके बाद हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी फिशुला को यूज़ कर रहे हैं आ, हैंडल कर रहे हैं कैथेटर को यूज़ कर रहे हैं हैंडल कर रहे हैं उन्होंने नए ग्लव्स पहने हों ओल्ड ग्लव्स यूज ग्लव्स नहीं चलेंगे नए क्लीन स्टेराइल ग्लव्स होने चाहिए हमें पेशेंट्स को ये डेफ़िनेटली बताना है कि कोई भी टाइम पे उनके पेशेंट ये जो फिस्टुल्लाज जिस जिस हाथ में फिस्चुला है उसका क्लिनलीनेस तो ज़रूरी है पर उनके पूर्ण बॉडी का क्लिनलीनेस ज़रूरी है नेल्स कट होने चाहिए स्क्रैच नहीं करना चाहिए नेल्स में अगर हम स्क्रैच करेंगे नेल्स में जो इन्फेक्शन है वो फिस्चुला में जा सकता है स्किन को डैमेज कर सकता है स्किन में कोलनाइज़ कर सकता है उसके बाद जब हम फिस्चुला हो गया डायलिसिस फिस्चुला को हम निकाल रहे हैं नीडल को तो जैसे कि डॉक्टर आकाश ने बताया दो फिंगर से क्या तरीका है किस तरह से आप इस प्रकार से फिशुला वेन को कंप्रेस करें ताकि नीडल निकालने के बाद का ब्लीडिंग मिनिमम हो और कॉम्प्लिकेशंस मिनिमम हो काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर पेशेंट खुद अपने हाथ से वो उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो उनके हाथ क्लीन होने चाहिए जहाँ तक हो सकता है उन्हें एक एंटीबैक्टीरियल सोल्यूशन में सोफ्ट गॉज यूज़ करना चाहिए जस्ट डायरेक्टली हाथ को टच नहीं करना चाहिए एक्सेस को हैंडलिंग जहाँ से जहाँ हो सकता है मिनिमम करना चाहिए जैसे हम बोलते हैं कि बार बार चेहरे को हाथ मत लगाओ वैसे ही बार बार एक्सेस को हाथ प्लीज मत लगाओ कितना भी आपका क्लीन हाथ हो और दूसरी छोटी छोटी और भी बातें हैं जैसे कि हमें जब पेशेंट रेस्ट कर रहे हैं तो फिशुला पे प्रेशर ना पड़े फिशुला के साइड में ना सोएँ वो साइड में बहुत हैवी वेट ना उठाएँ कभी कभी बैग्स हम कैरी करते हैं अक्रॉस द शोल्डर स्लिंग बैग्स हैं उससे फिशुला के बैक के स्ट्रैप से फिशुला कंप्रेस ना हो बहुत टाइट ज्वेलरी टाइट क्लोथ्स ऐसे कि वो फिशुला का सर्कुलेशन कंप्रेस करें वो सब ना पहने ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो हम बोल सकते हैं ऑलवेज टीच देम टू लुक फॉर द डेंजर साइंस साइंस फॉर इन्फेक्शन साइंस फॉर थ्रोम्बोसिस एंड स्टील के साइंस ब्लड वेसल ब्लड फ्लो कम हो रहा है आपकी फिंगर्स में फिंगर्स नम हो रहे हैं कोल्ड हो रहे हैं ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप जल्दी से पता कर सकते हैं पेशेंट को सिखाएंगे वो भी जल्दी से पता कर सकते हैं और बहुत सारा टाइम और एफर्ट एनर्जी हम बचा सकते हैं ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये लास्ट सवाल है ये सब से है आपका एक्सपेक्टेशन क्या है इन लोगों से सो so बेसिकली ये जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं ये अल्टीमेटली आपके दोस्त बन जाते हैं हमारे बीच में तो फिर भी गैप रहता है थोड़ा दे स्पेंड ट्वेल्व आवर्स ऑफ दे आर वीक विथ यू चार घंटे हफ्ते में तीन बार इतना समय रात की बात नहीं करूंगा दिन में तो इतना समय शायद हम नेफ्रोलॉजिस्ट भी हमारे हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं बिताते जितना वो तुम्हारे साथ बिताते सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डेवलप दैट काइंड ऑफ बॉन्ड और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है आपके ऊपर कि सिर्फ़ एक मेरा जॉब समझ के नहीं करना है अल्टीमेटली ये आपके साथ इतने सालों से तो एक बॉन्ड जुड़ जाता है तो उसके फिस्टुला का उस तरीके से ध्यान रखिए जैसे आप अपने फिस्टुला का ध्यान रखेंगे या अपने फैमिली में ध्यान रखेंगे। और बस ये ध्यान और तो बाकी सब आप बढ़िया काम कर ही रहे हो दिव्या सो आई वुड से जैसे कि उन्होंने बोला दोस्त बन जाते हैं जैसे कि आप मैं हमेशा ऐसे सोचती हूँ जब मेरे सामने कोई पेशेंट होता है अगर आपका कोई फैमिली मेंबर होगा आपका खुद का भाई या खुद की बहन होगा उसका जिस प्रकार से आप ख्याल रखेंगे अपने खुद के हाथ में अगर होगा तो जैसे ख्याल रखेंगे बस वो सोच के ख्याल रखिए बाकी चीजें ऑलरेडी सॉर्टेड है इमोशनल एस्पेक्ट्स असाइड वी शुड साइंटिफिकली ऑल्सो सम प्लान मुझे लगता है कि वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई टीम ऑफ टेक्नीशियंस इज दैट एक छोटा उनकी तरफ से डायलिसिस में एक्सेस राउंड हो मतलब वो हर पेशेंट के बारे में एक्सेस uh, के बारे में स्पेसिफिकली जाके देखें कि इस पेशेंट का एक्सेस किस तरह से फंक्शन कर रहा है और uh, uh, जैसे ऑडिट्स हमने बोला है तो uh, ये चीज़ें सुनने में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लगती है पर हमने अगर हमारे यूनिट uh, में डिसाइड किया कि मैं हम हर महीने में एक एक्सेस uh, का ऑडिट लेंगे कि, कि कितने एक्सेस इन्फेक्टेड है uh, कितने एक्सेस में प्रॉब्लम्स हुए कितने एक्सेस हमें बंद करने पड़े और नए एक्सेस बनाने पड़े तो ये स्मॉल स्टेप्स विल गो अ वेरी लॉन्ग वे Uh, in uh, vascular access care for the entire setup uh, so uh, some uh, some emotional components uh, are absolutely essential and as much equally uh, essential is the scientific aspect uh, doing access rounds and doing uh, access audits uh, frequent periodic uh, audits dr amish um, what i will like now key the technicians should come to the operation theater and see what's happening आपके फेस पे एक ईविल ग्रिन वो क्यों ये है? बताना चाह रहा है कि बॉस <laughs> दस मिनट का जॉब जो आप लोग सोच रहे हैं ना वो दस मिनट का जॉब के लिए ना वो पूरे प्रिपरेशन होते हैं उसकी तैयारी होती है और जब हम आर्टरी और वेन खोलते हैं और वेन ऑलरेडी फायर्ड रहते हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल पंक्चर इन द पास्ट उनको वेन नहीं मिलता है। फिर वो डिफिकल्टी शुरू होती है उनकी थिंकिंग में और ये सब में वो दस मिनट का जॉब नहीं है उनकी थिंकिंग तो पहले से चलती रहती है अभी जो लास्ट है वो है कि आप लोग का क्या एक्सपेक्टेशन है इन लोगों से कोई सवाल जो एक्सपेक्ट करते हैं आप इन लोगों से जैसे मैं वेस्कुलर सर्जन से एक्सपेक्ट करता हूं कि वो अच्छा फिशुला बनाए जिसको मेच्योर्ड हो अच्छे से जल्दी से तैयार हो जाए ताकि हम जल्दी से शुरू कर दें तो ये कभी कभी एक्सपेक्टेशन रहता है आप लोग का कितने जल्दी आप लोग चाहते हैं कि वेस्कुलर सर्जन ऐसा फिशुला बनाए कि एक हफ्ते में चालू हो जाए एक्सपेक्टेशन में क्या है मोदी अभी क्या मांग रहा है अब की बार 400 सो पार सोचने में क्या है आप लोग भी सोचो कुछ पूछना है कोई भी एक सवाल तो बनता है आगे, आगे। ये सबसे रेगुलर हमारा अटेंडी है और अपने मेहनत आपनतसे गाव सब कुछ एस्टॅब्लिश किया बिग हँड मी जर मराठीतच बोलतो कारण माझ्या भावना कळतील तुम्हाला की जेव्हा पण पेशंटला मी सांगतो की नेफ्रोलॉजीला भेटायचं आहे हा प्रॉब्लेम आहे ते तर त्यांच्या मनात एकच डाउट होतो आता खर्च वाढला एक नेफ्रोलॉजीला भेटलं म्हणजे किलोभर गोळ्या भेटणार असं मला ते लोक सांगतात आणि जेव्हा पण मी डी एसमध्ये घरी जातो तर हे हप्ता किंवा महिनाभर इथले जे पॉईंट्स आहेत ते दोन्ही पार्ट याला म्हणजे पेशंटला कलिगला सांगायचे प्रयत्न करतो पण कुठं ना कुठं वीक होतं मला असं म्हणायचं आहे की जेवढे मोठे मोठे नेफ्रॉलॉजिस्ट आहेत ते पेशंट्स तुमच्याकडे याला भीतात आणि जे कलिग्स चो आहेत जे छोटे आहेत म्हणजे सरांला जातो तुमचा सरांकडे जायचं बोलले तर दहा वेळा विचार करतात मग ते त्यांच्यामध्ये हे दुरावा कसा कमी करू शकतो शॉर्टकट हमेशा अच्छा लागतं आहे ठीक है जो इजीली खत्म हो जाता है ना वो ह्यूमन नेचर है कि आप जो तो, सोप दिखो तो 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 आ, वो में थोड़ी मराठी थोड़ा कभी कभी नर्वसनेस में कमजोर हो जाता है ठीक है तो हिंदी में बात करता हूँ भावना बेटर उधर आएगा हिंदी में ये भावना कौन है <laughs> 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 तो जो इजी रास्ता होता है ना वो पकड़ना ह्यूमन टेंडेंसी होता है तो वो दवाई जो काफी बार लिखी मैं जानता हूँ कि काफी बार ओवर प्रिस्क्रिप्शन होता है काफ़ी बार ज़्यादा दवाइयाँ लिखी जाती है ठीक है चलो आज वो मैसेज हमको मिला तो हम कोशिश करेंगे दवाइयाँ कम लिखने की लेकिन काफ़ी बार वो दवाई जस्टिफाइड भी होती है और ये गलत बात होती है कि वो नहीं ले रहे हैं तो वो नहीं ले रहे हैं वो खर्चा बढ़ रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो सही कर रहे हैं ठीक है तो वो भी आपका एक पॉइंट बन जाता है कि वो जो है आपके ज़रूरत के लिए कर रहे हैं उसके लिए और भी आगे लेक्चर होने वाला है जैसे कि डॉक्टर नील सर लाना लेने वाले के रिपोर्ट्स अगर खराब आएंगे फॉस्फोरस बढ़ेगा तो आपको फॉस्फेट बाइंडर देना पड़ेगा चार गोली तीन गोली उधर ही बढ़ जाती है तो मतलब वो सारे जो जरूरतमंद चीज़ है वो कर रहा होगा खर्चा तो हम कितने सारे चैरिटेबल सेंटर्स में जाते हैं कितने सारे चैरिटी ओपीडीज में जाते उधर भेज दो सर वो ये, आ, ये मैं जब, मैं जब से एम चालू हो गया पेशेंट पैसा निकलना बंद कर दिया किसी से <laughs> अभी मात्र सर को मैं सुबह एक मेरा प्रॉब्लम बताया था सर बोले कलर डॉपलर बोलना है पेशेंट को अब वो कैसा बोलना है वो कौन खर्चा है वो देगा और अगर वो क्लॉट निकला तो कौन करेगा वो एक क्वेश्चन देखो क्या साइंटिफिक डिस्कशन जब होते हैं ना तो हम लोग साइंस ज़्यादा पढ़ाने का कोशिश करते हैं उसमें प्रैक्टिकलिटी थोड़ा सा जैसे सर ने बोला हैंड हाइजीन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेकिन हैंड वॉश कितने यूनिट में नहीं है कितने यूनिट में वॉश बेसिन नहीं है होंगे आपके सबके यूनिट में है वॉश बेसिन यूनिट के अंदर बहुत सारे यूनिट में नहीं है सो so, हम लोग उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या बोलते हैं कि आप अस्टर्लियम कम से कम जब कभी भी कैथेटर टच करो अस्टर्लियम आप कम से कम हाथ पे ग्लव्स पे डालो उसको अच्छे से जो भी हैंड हाइजीन का जो प्रोसीजर उसको भी फॉलो करो और कोई सवाल